गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर की जो केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक चल रहा था उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, वो है एरिनियस इक्वेशन, जिसमें हम किसी भी रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो समझ रहे होते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात बोली थी कि आपके सिलेबस को हमने दो जो पेंडिंग लेक्चर है उसमें डिवाइड कर रखा है, एक आज का और एक और लेक्चर जिसमें हम रेट से रिलेटेड जो थ्योरीज है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके ऊपर, ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले हालांकि हम सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं रेट के वो डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर के अंदर, लेकिन आपके सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एरिनियस इक्वेशन के साथ अलग से दिया हुआ है। और ये बात भी आप समझते हैं कि जो सिलेबस में अलग से मेंशन कर दिया जाए उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको माइंड में रखते हुए इस लेक्चर को इस टॉपिक को कंप्लीट एक लेक्चर के अंदर इंक्लूड किया गया है जो आपके सामने। हम बात आज कर रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ये तो आप देखिए, आप इसको समझा सकते हैं किसके बेस पे, आप टेम्परेचर के इफेक्ट को समझा सकते हैं किसके बेस पे, खास बात ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी क्या चीज है, सुनिएगा। ये ग्राफ है जो किसके बीच में है, ये ग्राफ है इन बिटवीन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास एक गैस एज ए रिएक्टेंट के तौर पे है जिसे हम रिएक्ट करवाना चाहते हैं, और उन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। उनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी कितनी है, ये हमें आज डिस्कस करना है जो हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। यहां से आप देखिए, पहले पॉइंट की बात करूं तो जो मेरे पास एक नॉर्मल ग्राफ है आप उसको डिस्कस कीजिए। सपोज कीजिए ये ग्राफ मेरे पास है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कंक्लूजन आप देखिए। पहला कंक्लूजन कि आप ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है, फ्रैक्शन का मतलब 0% फ्रैक्शन उनका है जिनकी एनर्जी जीरो है, इस साइड एनर्जी है, इसका मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो पहला कंक्लूजन साफ है कि कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी एनर्जी क्या हो, जीरो हो। फिर देखा गया ऐसे कितने हैं जिनकी एनर्जी कम है, ये मान लीजिए कम एनर्जी वाला जोन है यहां से यहां तक, सपोज ये कम एनर्जी वाला जोन है,
यहां तक एनर्जी लो मान लीजिए मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन जो लो एनर्जी का है इसका फ्रैक्शन भी क्या है, ध्यान से देखिए, बहुत कम ऐसे है फ्रैक्शन जिसकी एनर्जी क्या हो, लो। तो सेकंड फैक्टर, सेकंड कंक्लूजन ये है कि द फ्रैक्शन ऑफ लो एनर्जी इज वेरी स्मॉल, कि वो वाली जिनकी एनर्जी बहुत ही कम है उनका नंबर भी बहुत ही कम है। इसको मैंने एक लेक्चर में एक एग्जांपल से दिया था कि आप सपोज कर लीजिए कि आपकी क्लास के अंदर, सपोज करिए कि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, इसको एग्जांपल से लीजिए कि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और आपने 100 स्टूडेंट्स में कैटेगरी जो बांट रखी है वो है लेस देन 33%, मतलब फेलियर। ये कौन होते हैं जो हम अक्सर जानते हैं जो फेलियर हैं, बहुत ज्यादा मतलब 95% से भी ज्यादा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जो एवरेज हम मानते हैं, एवरेज वो हम मानते हैं लगभग 50 से लेके 70% के बीच में। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप सोच के देखिए कि अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हो तो ऐसे कितने होंगे जिनके फेल होने के आसार होते हैं, या यूं कहूं कि 33% से भी कम नंबर है। इसको मैंने क्या माना, वो वाला जिसका फ्रैक्शन, वो वाला जिसकी एनर्जी कम है, कम मतलब 33% से कम की बात कर रहा हूं, वेरी लो की बात कर रहा हूं। ये तो कंफर्म है आपकी क्लास में एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका एक भी नंबर ना आए, मतलब जीरो आए। ऐसा आना तो बहुत बहुत मुश्किल है कि किसी को कुछ भी ना आता हो। इसलिए मैंने कहा जीरो वाले तो है ही जीरो, उनको तो छोड़ दीजिए। कोई क्लास में एक बच्चा कुछ भी है तो कुछ तो लिख ही देगा, एक आधा नंबर तो आ ही जाता है। इसका मतलब कि वेरी लो, और वेरी लो अमाउंट मैंने 33% से नीचे वाले को अगर कंसिडर किया तो आप सोचिए कि ऐसे कितने हैं आपकी क्लास में जिनके फेलियर के चांसेस है। तो आप देखिए उनका नंबर बहुत कम होता है, 2-4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उम्मीद होती है कि इनके 33% से भी लो आएंगे। तो इसी को आप कंपेयर कीजिए इस ग्राफ से कि ऐसे कितने मॉलिक्यूल आपके पास है जिनकी एनर्जी कम है, कम एनर्जी वालों का फैक्टर, उनका फ्रैक्शन कितना है, उनका फ्रैक्शन भी आपको क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा। तो इसलिए ये पहली बात देखिए, एक भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी एनर्जी जीरो हो जाए, और बहुत कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन देखूं तो वो भी बहुत ही कम है। तो ऐसे कितने हैं जिनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले। आप देखिए आपकी क्लास में 1, 2 या 3 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसे होंगे जो 95% से ज्यादा जाते होंगे। तो टोटल अगर मैं इस लेवल से ज्यादा वाले को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह दूं तो इसका फ्रैक्शन देखिए, मतलब इस एनर्जी से ज्यादा वाले को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह दूं तो इस वाले का फ्रैक्शन आप ध्यान से देखिए, ये फ्रैक्शन भी क्या है, बहुत ही कम है। तो उनका नंबर भी बहुत कम है जिसकी एनर्जी बहुत कम है, और उनका भी बहुत कम है जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तीसरी बात मैं क्या कहूं, फ्रैक्शन ऑफ वेरी हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी वाले का फ्रैक्शन भी क्या है, इज ऑल्सो वेरी लो, वो भी क्या है, बहुत कम है। तो यहां से एक बात क्लियर है, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले भी बहुत कम हैं, बहुत कम एनर्जी वाले भी बहुत कम हैं, और एक भी ऐसा नहीं है जिसकी एनर्जी जीरो हो जाए। ये बात क्लियर, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा वाले भी नहीं है, बहुत कम वाले भी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ वाले कौन है, जिनकी एनर्जी ना ही तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है। आप देखिए तो वहां मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन किसका है, मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन देखिए, टॉप फ्रैक्शन किसका है, टॉप फ्रैक्शन इस एनर्जी वाले का है। देखिए दैट एनर्जी, जो एनर्जी ना ही तो बहुत ज्यादा वाली है ना ही बहुत कम है, सो दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। तो मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन की एनर्जी क्या है, यहां से क्या क्लियर है, मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन है नाइदर वेरी हाई एनर्जी नाइदर वेरी लो एनर्जी नोर वेरी हाई, ना ही तो उसकी एनर्जी क्या है बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम। तो उनकी एनर्जी क्या है, दे हैव इंटरमीडिएट एवरेज एनर्जी,
उनकी एनर्जी तो बीच में है, ना ही तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। तो ऐसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज दैट एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन, जो लगभग सबके पास है, मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन के पास जो एनर्जी है उसको क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, मतलब इस एनर्जी के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी किसको माना जाता है? जो मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन द्वारा पोजेस की जाती है उसी एनर्जी को मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी मानी जाती है। क्लियर? अब आप अज्यूम कीजिए कि आपके कॉलेज में सिलेक्शन करने के लिए कोई कंपनी आई है, जो जॉब देने के लिए कोई कंपनी आई है, उन्होंने ये फाइनल कर दिया कि हम उन बच्चों को सिलेक्शन करेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आपकी क्लास के 3 बच्चे क्या होंगे? उस जॉब में सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी रहेंगे जिनके 95% से ज्यादा होंगे। मतलब वो वाला फ्रैक्शन, ध्यान से देखिए, सिलेक्ट कौन होगा? वो वाला फ्रैक्शन जो बहुत हाई एनर्जी का होगा। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये जो फैक्टर है, जो ये इसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे जिनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है वो क्या होंगे? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करेंगे। यहां सिलेक्शन आप समझिए कि उस पूरी गैस में से वो मॉलिक्यूल सेलेक्ट करने हैं जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, उनकी बात कर रहा हूं। तो ये कौन से वाले होंगे? ये वो होंगे जिनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी। तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल क्या होंगे? वही अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितने भी मॉलिक्यूल है उनमें से सिर्फ रिएक्ट कौन कर रहे होते हैं? वो कर रहे होते हैं जिनकी एनर्जी उस वक्त बहुत ही ज्यादा होती है। ये बात क्लियर? ठीक है, तो यहां से एक बात क्लियर है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली दैट फ्रैक्शन, सिर्फ वही फ्रैक्शन फॉर्म प्रोडक्ट, वही फ्रैक्शन रिएक्शन में हिस्सा लेता है, विच आर ऑफ वो जो क्या हो, वेरी हाई एनर्जी, जिसकी एनर्जी क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो, सिर्फ वही बॉन्ड बनाने में, जो वही रिएक्शन करने में हिस्सा लेगा, बाकी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मान लीजिए कि आपने 100 मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया, तो उस टेम्परेचर पे कितने रिएक्ट करेंगे? सिर्फ वही जिनका 95% से ज्यादा हो, या यूं कहूं 2 या 3 ऐसे हैं जो उस वक्त रिएक्ट करेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो आप अज्यूम कीजिए कि आपके कॉलेज में इस बार सिलेक्शन के दौरान सपोज करिए 3 बच्चे निकल गए, तो आपकी क्लास में कितने बच्चे? 97 बच्चे। अब आप बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट कॉलेज ने फिर से कोशिश की कि नहीं, हम इस बार फिर से और मेहनत करते हैं, इन्हीं बच्चों को तैयार करते हैं, और अगली बार जब कंपनी आएगी तो कितने सिलेक्ट होके जाएंगे हम उसको देखते हैं। तो हमने क्या किया, फिर से एक साल उन बच्चों पे मेहनत की। तो जो जो बच्चे हैं, मान लीजिए हर एक का 10-10% इंक्रीमेंट हो गया, हर एक का 10% इंक्रीमेंट हो गया, सोच के देखिए। तो सभी के 10-10% अगर नंबर बढ़ जाते हैं, तो आप सोचिए कि जो बच्चे उस वक्त 80 से 90 के बीच में थे, या यूं 85 से 95 के बीच में थे, जो रह गए थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे इस बार? 95 से ज्यादा क्रॉस हो जाएंगे, और उनका नंबर क्या था? ज्यादा था। तो इसका मतलब पहले जो मॉलिक्यूल, पहले अगर आप मान लीजिए कि थोड़ी सी मेहनत और करें, थोड़ा सा एक्टिव और कर दें इनको, तो क्या होगा? और फ्रैक्शन ऐसा होगा जो 95 से क्रॉस कर जाएगा और अब वो रिएक्ट करेगा। तो ये काम हम यहां कैसे करते हैं? ये रिएक्शन मान लीजिए टी डिग्री सेल्सियस पर हो रही है, हमने क्या किया, 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज कर दिया, 10 डिग्री राइज कर दिया। तो 10 डिग्री राइज के बाद हमने दोबारा से ग्राफ प्लॉट किया जो कुछ ऐसा आया, देखिए ऐसा। अब हमने क्या देखा कि इस एनर्जी से ज्यादा सारे के सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो देखिए इससे ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अब क्या हुआ, इतने मॉलिक्यूल ऐसे हो गए सारे, देखिए, जो क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट बना सकते हैं इस टेम्परेचर पर। तो ये वाला नंबर पहले वाले से ऑलमोस्ट क्या है, डबल है। तो ये वाला, अब मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, पहले इस कंसेप्ट को समझिए, अब मैं इन्हीं पॉइंट को एक्सटेंड करता हूं। देखिए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हुआ, देखिए अब टेम्परेचर बढ़ने से जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी का जो फ्रैक्शन था, जो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है वो तो बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए कि बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर,
अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, इससे क्या हुआ, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी इज इंक्रीज, वो तो बढ़ जाती है। देखिए पहले लगभग मैंने कहा 50 से 70 वाले क्या थे, जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा थी मोस्ट प्रोबेबल वही थे, तो 50 से 70 वाले थे। अब हर एक में 10-10% इंक्रीमेंट आ गया, तो वो सारा फ्रैक्शन कहां चला गया, 70 से 80 वाले की रेंज में चला गया। तो मोस्ट प्रोबेबल तो बढ़ गया ना, लेकिन उनका फ्रैक्शन घट गया। फ्रैक्शन क्यों घट गया, देखिए क्योंकि बहुत सारा हिस्सा जो था उसमें से कहां चला गया, वो 95 से ज्यादा वाले में चला गया, तो कुछ तो इधर कम हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी तो बढ़ गई बट देयर फ्रैक्शन, ये देखिए एनर्जी जरूर बढ़ गई लेकिन उनका फ्रैक्शन घट गया, देखिए बट देयर फ्रैक्शन इज डिक्रीज। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी तो बढ़ जाती है लेकिन उसका जो फ्रैक्शन होता है, जो उसको पोजेस किए होता है, वो फ्रैक्शन घट जाता है। ये आप ध्यान से समझ लीजिए। तो इससे क्या हुआ, ये मान लीजिए सपोज करिए कि क्या है ये टी प्लस 10 डिग्री की, मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करके फिर से ग्राफ प्लॉट किया तो मेरे पास ये कंसेप्ट आया। तो एवरी 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर से मैंने क्या देखा कि ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व है कि बाय इंक्रीज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो एरिया अंडर कर्व कहां का, वो वेरी हाई एनर्जी, वो वाला जो वेरी हाई एनर्जी का है इज ऑलमोस्ट, वो क्या हो जाता है, डबल्ड हो जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, डबल। तो देखिए ये एरिया जो है ऑलमोस्ट वेरी हाई एनर्जी वाले का, ये क्या हुआ, ये डबल हो जाता है। तो इसके डबल हो जाने से क्या हुआ, पहले हमने क्या कहा कि इतने मॉलिक्यूल जो इसमें हैं वही रिएक्ट करेंगे, अब ये ज्यादा है ऑलमोस्ट डबल है तो डबल रिएक्ट करेंगे। तो 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से क्या हुआ, 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से जो मॉलिक्यूल उस वक्त रिएक्ट कर रहे थे उनका नंबर क्या हुआ, ऑलमोस्ट डबल हो गया, उनका नंबर क्या हुआ, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो इसी के लिए हमें क्या दिया जाता है, एक टर्म दी जाती है That term is called as the temperature coefficient. Temperature coefficient of the reaction. अब ये क्या चीज है temperature coefficient of reaction, देखिए temperature coefficient, आप जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो आप रेट कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन, जिस रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं उसका रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए, कब, 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करके, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस। आप ध्यान से देखिए, जैसे अभी भी मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने से क्या हुआ, ये एरिया क्या हुआ, ये एरिया डबल हो गया। तो रेट कांस्टेंट है टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट, ये वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, 2 के इक्वल आनी चाहिए। तो टेम्परेचर कोफिशियंट की जो वैल्यू है मेरे पास ऑलवेज रिएक्शन के लिए क्या आती है, ऑलमोस्ट 2, ऐसा नहीं है 2 है, ये वैल्यू क्या होती है 1.5 देखने को मिली, ये 3 के करीब भी देखने को मिली, ऐसा नहीं है ये नहीं हो सकता, 2 ही आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये वैल्यू 2 के करीब मिलती है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये हुआ कि बाय इंक्रीज 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर हम क्या कर देते हैं, 10 डिग्री टेम्परेचर राइज कर देते हैं इट्स रेट, तो उसका जो रेट होता है बिकम्स ऑलमोस्ट डबल। तो क्या मान लेते हैं, उसका रेट जो है वो लगभग लगभग क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसी चीज को टेम्परेचर कोफिशियंट बोला जाता है। ये बात क्लियर? तो यहां से हम देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, साफ कंक्लूजन है कि टेम्परेचर के बढ़ जाने से क्या हुआ, टेम्परेचर के बढ़ जाने से रेट इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर के बढ़ जाने से क्या हो जाता है, रेट इंक्रीज हो जाता है। ये बात क्लियर है? तो यहां हमने यही पढ़ना था कि रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या असर पड़ने वाला है।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर जो है डायरेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसमें बस आप एक बात और ध्यान से समझिएगा, देखिए अब मैं इसे समझा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब हमें इसे समझना है किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अब हम इसे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बेस पे समझ रहे हैं। देखिएगा इस थ्योरी में क्या कहा गया, कि मान लीजिए आपके पास ये देखिए ये ग्राफ किसके बीच में है, ये ग्राफ है एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में, कि कोई भी आप एक रिएक्शन करवाना चाहते हैं टाइम के साथ जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे उनके जो पार्टिसिपेशन करने वाले होते हैं उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करिए आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट है जिसकी एनर्जी इतनी है, सो दैट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये देखिए ठीक है, और ये देख लिया मैंने कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से कम है। सपोज करिए दिस एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, आप देखिए तो ये वाली जो एनर्जी हुई ये एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की है। इससे आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम है, तो हर कोई अपनी एनर्जी अगर कम करने की कोशिश कर रहा है, यहां तो केस ही ऐसा है कि आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो रिएक्टेंट क्या करे, एनर्जी छोड़ दे प्रोडक्ट में, कन्वर्ट हो जाए सुलन तो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब रिएक्टेंट को चाहे एनर्जी छोड़नी ही क्यों ना है लेकिन फिर भी वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये थ्योरी ये बात कहती है कि कोई भी रिएक्टेंट तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक कि उसकी एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी के इक्वल ना हो जाए, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द दैट एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी है कि इतनी तो चाहिए ही चाहिए, और अब ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, और उस एनर्जी को कहा जाता है जो मिनिमम पोजेस उसको करनी है। मान लीजिए वो बहुत हाई एनर्जी की स्टेट है ये रही, ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी, मतलब उसे कितनी करनी है उस एनर्जी को, थ्रेशहोल्ड एनर्जी जितना करना है उसको, कि जब तक इस रिएक्टेंट की एनर्जी इस थ्रेशहोल्ड एनर्जी जितनी नहीं हो जाती तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इस रिएक्टेंट की एनर्जी को थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर करना पड़ेगा। अब मैं इसको इक्वल कैसे करूं, मैं हीट करूं इसे बाहर से एनर्जी ट्रांसफर करूं तो क्या होगा, जैसे जैसे एनर्जी दूंगा इसकी एनर्जी बढ़ती 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 एक स्टेज आएगी जब थ्रेशहोल्ड के बराबर हो जाएगी। तो ये जो हाई एनर्जी स्टेट होती है, ये जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को क्या बोला जाता है, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। ये बात क्लियर, कि इसका मतलब साफ क्लियर है कि रिएक्टेंट तब तक प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता जब तक कि आप उसकी एनर्जी एक हाईएस्ट लेवल तक ना ले जाएं, और वो एनर्जी कितनी है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, कि जब तक रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशहोल्ड के बराबर नहीं होती तब तक प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो ये बात क्लियर है कि आपको इसे बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़े ताकि उसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाए, थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। आप इसको यूं समझिए कि इस रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए, कि ये रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाए, प्रोडक्ट बनाने के लिए चला जाए, तो उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए आपको जितनी एनर्जी उसे देनी पड़ी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर, अब एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी अलग अलग चीज है भाई, ये ध्यान से देख लीजिए।
थ्रेशहोल्ड एनर्जी तो मैक्सिमम एनर्जी है और एक्टिवेशन वो है जो देनी पड़ी ताकि उसकी एनर्जी उसके बराबर हो जाए, तो ये तो डिफरेंस है। थ्रेशहोल्ड एनर्जी को अगर रिएक्टेंट, थ्रेशहोल्ड एनर्जी देख लीजिए, बात समझ लीजिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट की एनर्जी के सम के बराबर होता है। तो मैं क्या कहूं, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट प्लस, ये देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी थ्रेशहोल्ड, मैक्सिमम इतनी करनी है, तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, जितना डिफरेंस है उतनी कि आपको करनी कितनी है, दैट इज थ्रेशहोल्ड, है कितनी जो रिएक्टेंट किया वो आर, तो जो डिफरेंस है वो आप बाहर से दे दीजिए और जो बाहर से दोगे वो क्या चीज हो जाएगी, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब हुआ क्या कि मुझे इसे गर्म करना पड़ेगा, मुझे इसे हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो जैसे ही मैं गर्म करूंगा वैसे वैसे इसके पास एनर्जी आएगी, ये ट्रांजिशन स्टेट को गेन करेगा और गेन करते ही प्रोडक्ट बनाने के लिए चल पड़ेगा। पर इसका ये कोई मतलब नहीं हो जाता कि जो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गया वो प्रोडक्ट बनाएगा ही, लेकिन ये तो जरूरी है, ये स्टेज आनी तो जरूरी है, लेकिन ये मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है, 100 यहां तक पहुंचे तो जरूरी नहीं है 100 प्रोडक्ट बनेंगे, हो सकता है 70 प्रोडक्ट बने, 30 ऐसे हो किसी वजह से उनकी एनर्जी लॉस हो जाए और जैसे ही एनर्जी कम होगी उनकी वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, हीट की फॉर्म में उस एनर्जी का लॉस कर देंगे वो। ओके, तो यहां से एक बात क्लियर है कि ये देखिए कि जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं आती तब तक प्रोडक्ट नहीं बनते, ये बात सही है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी कुछ भी हो जाए। पर क्या एक्टिवेशन, अब जो एनर्जी रिलीज होनी है, देखिए इतनी मुझे देनी पड़ी रिलीज उसने की यहां से लेके यहां तक, ये देखिए इसमें से ये एनर्जी तो मैंने दी थी, देखिए इतनी, तो जो रिमेनिंग बची इतनी, ये क्या है, ये नेट चेंज है। नेट चेंज क्या है ऑफ एनर्जी, वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज द एंथैल्पी चेंज, नेट चेंज ये है इसका। अब ये किसके इक्वल है, यहां से क्लियर है, डेल्टा एच किसके इक्वल है, देखिए डेल्टा एच किसके इक्वल है, डेल्टा एच तो अभी भी क्या है, ये डिफरेंस किसके इक्वल है, जो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी है उसी का डिफरेंस है, दैट इज द ईपी, दैट इज प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। और हमने जो केस लिया था उसमें रिएक्टेंट की ज्यादा थी प्रोडक्ट की कम, और यहां केस मेरे पास क्या है, केस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये डिफरेंस क्या आएगा आपके पास माइनस, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, ये देखिए डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बात क्लियर है। अब ऐसा भी हो सकता था, मान लीजिए कि ये ग्राफ ऐसा ना होता और ये ग्राफ मैं ऐसे ही बना देता, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट की एनर्जी इससे ज्यादा है, देखिए तो क्या होता, फिर भी उसको पहले एक्टिवेट होना पड़ता ऐसे और फिर जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता, ये देखिए इस बार ये एक्टिवेशन एनर्जी है, वो तो होएगी होएगी, वो तो आप चेंज कर ही नहीं पा रहे, देखिए ये तो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब डेल्टा एच क्या हो गया, अब डेल्टा एच देखिए, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, अब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है इस बार, इस बार आपके पास क्या है, केस इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो आपके पास डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन,